नमस्कार दोस्तों, तो आप लोगों ने मुझे बोला था कि आप लोगों को बिग बिलियन डे या फिर अमेज़न ग्रेट इंडियन डे सेल पे अलग अलग प्राइस पॉइंट में लैपटॉप का सजेशन चाहिए, और मैंने आपको पूछा था कि आप लोगों को कौन से प्राइस रेंज के अंदर चाहिए। तो मैंने ये चीज़ देखा कि ज़्यादातर लोग मुझे पूछ रहे थे 50 से 60,000 के अंदर सबसे बेस्ट ऑलराउंड गेमिंग लैपटॉप। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आपको सिर्फ गेमिंग पर्पज़ के लिए कोई लैपटॉप लेना है तो इस प्राइस रेंज के अंदर कौन सा होगा सबसे बेस्ट, इस वीडियो में जिसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई बात का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। शायद आप में से कुछ लोग को ये चीज़ लग सकता है, ये जो लैपटॉप क्या हमें ऑनलाइन से लेना चाहिए या फिर ऑफलाइन से लेना चाहिए। आप देखिए, इसका मैं एक्चुअल रियलिटी में बोलता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट 2-3 साल पे टोटल 2 लैपटॉप लिया है, एक 70-80 हजार के आसपास और दूसरा है 1,20,000 के आसपास। तो मैंने ये चीज नोटिस किया है, चाहे बड़े शहर में रहते हो या फिर छोटे शहर में रहते हो, अगर आप लैपटॉप ऑफलाइन स्टोर से लेंगे तो ऑनलाइन से मुकाबले डेफिनेटली 10,000 मिनिमम ज्यादा आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मैंने मेरे इधर जितने सारे मॉल है या फिर जितने सारे ऑफिशियल ब्रांडेड स्टोर है, हर जगह पे मैंने देखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी लैपटॉप का प्राइस ऑनलाइन पे 60,000 रुपीज, सेम लैपटॉप सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आपको ऑफलाइन भी मिलेगा 70,000 के आसपास। अभी आप बोलेंगे कि ये जो ऑफलाइन से आप ले रहे तो क्या बेकार है? ना, बेकार बिल्कुल भी नहीं है। ऑफलाइन से आपको लेना चाहिए अगर आपको लैपटॉप के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना नहीं आता, क्योंकि लैपटॉप जब आप ओपन करेंगे नया लैपटॉप तो आपको कुछ सेटिंग्स करना पड़ेगा। तो अगर आपका वो सबका बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आपको ज्यादा पैसे देके ऑफलाइन से लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो ऑनलाइन से आप लोगों के लिए सबसे बेटर होगा। और अगर ऑनलाइन के वारंटी क्लेम के बारे में बात करें, देखिए ये सभी लैपटॉप में आपको मिलेगा ऑन साइड वारंटी। इसका मतलब लैपटॉप पहले लेना है, उसके बाद ब्रांड के ऑफिशियल साइट में इसे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। रजिस्टर करवाने के बाद अगर आपके लैपटॉप में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपको ब्रांड को कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ब्रांड की तरफ से जो मैकेनिक वो आपके घर में आके आपका जो लैपटॉप वो ठीक करके जाएगा। ये चीज जरूर ध्यान में रखना। तो इसलिए अगर आपको लैपटॉप ऑपरेट करना आता है, अगर आप नया लैपटॉप लेना चाहते तो ऑनलाइन से हमेशा लेने की कोशिश करना, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो ही आपको ऑफलाइन पे लेना पड़ेगा। और हाँ, ये चीज ध्यान में रखना, इस वीडियो पे मैं आपको जो जो भी लैपटॉप के बारे में बताऊंगा सभी में आपको 5,000 का HBA की तरफ से ऑफ मिलेगा। मतलब मैं जो प्राइस दिखाऊंगा वो होगा इसका नॉर्मल प्राइस, 5,000 रुपए इसके ऊपर और माइनस करके रखिए। तो जो पहला लैपटॉप Lenovo IdeaPad Gaming 3 जो कि अभी करेंटली Amazon पे अवेलेबल है, इसका अभी प्राइस है 56,000, लेकिन ऑफर मिला कि आपको मिलेगा 51,000 पे। इसमें आपको मिलेगा 15.6 इंच फुल HD प्लस 120Hz एंटी ग्लेयर IPS डिस्प्ले, जिसके साथ 250 nits का ब्राइटनेस। प्रोसेसर में आपको मिलेगा Ryzen 5 6600H वाला प्रोसेसर, जिसका बेस फ्रीक्वेंसी 3.3 GHz, टर्बो फ्रीक्वेंसी 4.5 GHz, 8GB DDR5 रैम, 4800mAh बैटरी, उसके साथ 512GB का स्टोरेज। ग्राफिक्स कार्ड में आपको मिलेगा RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड। बैटरी अगर बात करें, इसमें आपको मिलेगा 4 सेल 60 वाट आवर का बैटरी, उसके साथ 170W का चार्जर। इसके अलावा डुअल स्पीकर, HD वेबकैम, 2 USB 3.0 Gen 1 पोर्ट और 1 USB Type-C 3.2 Gen 2, और उसके साथ बाकी के जो कॉमन पोर्ट है वो भी आपको मिलेगा। अभी ये जो लैपटॉप, इसे मैंने नंबर वन पोजिशन में इसलिए देखा, क्योंकि पहली बात तो इसका जो प्रोसेसर Ryzen 5 6th Gen प्रोसेसर, जो कि इस प्राइस पॉइंट में दूसरा कोई भी ब्रांड आपको नहीं दे रहा, मतलब प्राइस पॉइंट का पहला लैपटॉप है जो कि आपको 6th Gen Ryzen का प्रोसेसर देगा। इसका परफॉर्मेंस सेम प्राइस पॉइंट में जो i5 वाला लैपटॉप है उससे डेफिनेटली थोड़ा सा बेटर है। दूसरा, इसका जो रैम, इस प्राइस पॉइंट में बाकी जो भी लैपटॉप है, ऑब्वियसली मैं बाकी के लैपटॉप भी दिखाऊंगा, सभी में आपको मिलेगा LPDDR4 और उसके साथ 3200MHz का कॉम्बिनेशन, लेकिन ये एक्चुअली प्राइस पॉइंट का वन एंड ओनली ऐसा लैपटॉप है जिसमें आपको DDR5 उसके साथ 4800MHz का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। और उसके साथ प्राइस पॉइंट के बाकी सभी लैपटॉप जैसे इसमें आपको मिलेगा RTX 3050 वाला लैपटॉप। इसीलिए अगर आपका मेन टारगेट है गेमिंग या फिर अगर आपका मेन टारगेट है एडिटिंग, मतलब मल्टीमीडिया काम करना, तो मेरे ख्याल से ये जो लैपटॉप आप लोगों के लिए होगा नंबर वन चॉइस। और इसका बाइंग लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे इस लिस्ट का दूसरा चॉइस है Asus TUF Gaming F15 वाला लैपटॉप। इसका अभी प्राइस है 59,000 रुपीज, लेकिन इसके ऊपर आपको मिलेगा 5,000 का HBA का ऑफ। इसमें आपको मिलेगा 15.6 इंच फुल HD प्लस 144Hz एंटी ग्लेयर IPS LCD डिस्प्ले, उसके साथ 250 nits का ब्राइटनेस।
प्रोसेसर में मिलेगा इंटेल कोर i5 11400H ए वाला प्रोसेसर जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 4.6 GHz, 8GB DDR4 3200 MHz वाला रैम उसके साथ 512GB SSD, RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड, 4 सेल 90 Wh का बैटरी उसके साथ 180 W का चार्जर, डुअल स्पीकर, HD वेबकैम, 3 USB 3.2 जनरेशन 1 टाइप ए पोर्ट और उसके साथ बाकी जो नॉर्मल पोर्ट होता है वो भी आपको मिलेगा। अभी जैसे कि मैंने कहा था पहले का बोजो लैपटॉप से उसमें आपको मिलेगा एकदम लेटेस्ट वाला राइजन का प्रोसेसर उसके साथ LPDDR5 मतलब DDR5 वाला रैम। लेकिन ये जो लैपटॉप इसके खासियत है क्योंकि इसमें आपको मिलेगा 90 Wh का बैटरी। 90 Wh मतलब कितना ज्यादा एक्चुअली इसका बैटरी का कैपेसिटी है और ये इस प्राइस पॉइंट का वन एंड ओनली ऐसा लैपटॉप है जिसमें आपको 90 Wh का बैटरी मिलेगा, मतलब प्राइस पॉइंट के अंदर का सबसे ज्यादा बैटरी लाइफ आपको मिलेगा Asus Tough Gaming ए वाले लैपटॉप की मदद से। तो इसीलिए जिन लोगों को थोड़ा सा घर से बाहर लैपटॉप थोड़ा सा ज्यादा यूज करना है उसके साथ गेमिंग भी करना है उन लोगों के लिए ये जो लैपटॉप होगा परफेक्ट चॉइस। इसके बाद आप लोगों के लिए तीसरा ऑप्शन MSI GF63 थिन वाला लैपटॉप। वैसे इस लैपटॉप का और भी बहुत सारे एडिशन है, मैं आपको वो बाद में दिखा दूंगा। ये जो लैपटॉप अभी Amazon पे अवेलेबल है एग्जैक्टली 53,000 पे, लेकिन अगर आप इसके ऊपर SBI का ऑफर यूज करेंगे 5,000 का ऑफ आपको मिलेगा। इसमें आपको मिलेगा 15.6 इंच फुल HD प्लस 144Hz एंटी ग्लेयर IPS डिस्प्ले उसके साथ 250 nits का ब्राइटनेस, इंटेल कोड i5-11260H ए वाला प्रोसेसर जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 4.4 GHz, 8GB DDR4 3200 MHz वाला रैम, 512GB SSD, RTX 3050, 3 सेल 52.4 Wh का बैटरी उसके साथ 120 W का चार्जर, डुअल स्पीकर, HD वेबकैम, 3 USB 3.2 जनरेशन 1 पोर्ट उसके साथ 1 USB Type-C और उसके साथ आदर जो बाकी पोर्ट होता है वो भी आपको मिलेगा। और जिन लोगों को MSI की तरफ से लैपटॉप लेना है या फिर MSI ब्रांड पर ज्यादा भरोसा करते उन लोगों के लिए ये जो लैपटॉप का बहुत ही बढ़िया चॉइस। और इसके बाद फाइनली HP की तरफ से, और ये चीज आपको मालूम है HP डेल ये सब लैपटॉप मार्केट का सबसे टॉप ब्रांड माना जाता है स्पेशली इसके आफ्टर सर्विस के लिए। तो HP की तरफ से जो लैपटॉप है उसका नाम है HP Pavilion Gaming जिसका अभी प्राइस है 59,000 rupees, लेकिन कार्ड ऑफर मिला के आपको मिल जाएगा 5,000 rupees का ऑफ। इसमें आपको मिलेगा 15.6 इंच 144Hz एंटी ग्लेयर IPS LCD डिस्प्ले उसके साथ 250 nits का ब्राइटनेस, i5-11300H ए वाला प्रोसेसर जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 4.4 GHz, 8GB DDR4 3200 MHz वाला रैम उसके साथ 512GB का SSD, RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड, 3 सेल 52.5 Wh का बैटरी उसके साथ 200 W का चार्जर, डुअल स्पीकर, HD वेबकैम, 3 Type-A पोर्ट, 1 USB-C पोर्ट और बाकी के सभी पोर्ट्स आपको मिलेगा। और इस लैपटॉप का एक खासियत है ये कि इसका जो चार्जर प्राइस पॉइंट के अंदर का सबसे मैक्सिमम चार्जर इस लैपटॉप में आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे तरफ से यही एक्चुअली टोटल 4 सबसे बढ़िया लैपटॉप का सजेशन। लेकिन जैसे मैंने कहा था इसके बाद भी और भी कुछ वेरिएशन आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन में देख सकते हैं मैंने रिसेंटली जो बताया था MSI का लैपटॉप उसका एक्चुअली 3 अलग अलग वेरिएंट है। एक वेरिएंट पे आपको मिलेगा 16GB रैम 512GB SSD, दूसरे वेरिएंट पे आपको मिलेगा 8GB रैम 1TB स्टोरेज और 256GB SSD इसका कॉम्बिनेशन, और तीसरे वेरिएंट पे आपको मिलेगा 16GB रैम 1TB स्टोरेज और उसके साथ 256GB SSD का कॉम्बिनेशन। मतलब जिन लोगों को SSD और HDD का कॉम्बिनेशन चाहिए मतलब लैपटॉप में ज्यादा मूवी वगैरह रखना है मतलब मल्टीमीडिया रखना है उन लोगों के लिए ये जो कॉम्बिनेशन होगा बहुत ही बढ़िया। और ये जो सभी लैपटॉप इंटेल 11 जनरेशन प्रोसेसर के साथ आता है। और इसके बाद एक और लैपटॉप है जो मैंने बताया था कि Lenovo IdeaPad Gaming 3 जो कि प्रोबेबली 53,000 का लैपटॉप है। अभी उसका सभी के सभी स्पेसिफिकेशन तो ठीक ठाक है क्योंकि उसमें आपको मिलेगा Ryzen 5 6th जनरेशन प्रोसेसर, और ये चीज ध्यान में रखना Ryzen 5 के मुकाबले Ryzen 7 और भी ज्यादा पावरफुल है। तो अगर आपको प्राइस पॉइंट के अंदर का सबसे बेस्ट CPU चाहिए तो आप लोगों के लिए एक और चॉइस है Lenovo IdeaPad Gaming 3 जिसका सभी के सभी स्पेसिफिकेशन एग्जैक्टली उस पहले वाले लैपटॉप के जैसा ही है, लेकिन प्रोसेसर में आपको मिलेगा Ryzen 7 5800H वाला प्रोसेसर। और एक फाइनल आप लोगों के लिए चॉइस है Acer की तरफ से एकदम अभी लॉन्च हुआ है लैपटॉप का नाम है Acer Aspire 7 2023 एडिशन। इसका सभी के सभी स्पेसिफिकेशन एग्जैक्टली बाकी लैपटॉप के जैसा ही है, बस ये जो लैपटॉप आपको मिलेगा Acer की तरफ से। तो अगर आपका बजट है आज के दिन में 50,000 से 60,000 rupees के अंदर और अगर आपको सबसे बेस्ट गेमिंग लैपटॉप लेना है तो मेरे तरफ से ये सब होगा रिकमेंडेशन। तो अभी आप मुझे कमेंट जरूर बताना कि आपको सभी लैपटॉप के अंदर कौन सा सबसे बढ़िया लगा और आप कौन सा लेना चाहेंगे, और सभी लैपटॉप को मैंने बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है उसमें से आप डेफिनेटली ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।